हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने कई बड़े फैसलों का ऐलान किया, तो वहीं राजस्थान के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद शाम को अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अपने फैसले जारी नहीं किए, लेकिन अपना विजन जरूर जनता के सामने रखा। बता दें, बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता की और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में 3 मुद्दे सबसे बड़े रहे हैं, पेपर लीक, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार। ये तीनों मुद्दे हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले सालों में महिला सुरक्षा प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा रहा। प्रदेश की महिलाओं में सुरक्षा की भावना विकसित करने के लिए महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के खिलाफ हमारी सरकार कड़े से कड़े कानून बनाकर उन्हें धरातल पर उतारेगी। आगे मुख्यमंत्री ने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, जिससे प्रदेश की मातृ शक्ति को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक के मुद्दे के लिए SIT के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा, प्रदेश में पिछले सालों में बड़े पैमाने पर पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है, जिससे प्रदेश के युवाओं का मनोबल टूटा है। वो युवा जो दिन रात एक कर बड़ी और कड़ी मेहनत करते थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन हमें ये सब चीज़ें हमारी सरकार के कार्यकाल में नहीं होने देंगे, क्योंकि इन घटनाओं के अलावा परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थाओं के प्रति उनका विश्वास भी कमज़ोर हुआ है। मुख्यमंत्री ने पिछले 5 सालों में हुए पेपर लीक के मामलों की जाँच के लिए SIT गठित करने का निर्णय लिया है, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाएं राजस्थान में वापस नहीं हो और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछली सरकार में प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त रही है, अब जनता को इस समस्या से मुक्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगा, जिससे एक भी भ्रष्टाचारी कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएगा। 15 दिसंबर को राजस्थान के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व CM अशोक गहलोत सहित कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। उन्होंने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में चलते हुए प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखते हुए मजबूत फैसले लेगी और राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विजन और भाजपा के घोषणा पत्र के आधार पर काम करेगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।